मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स में। यूपी के हमीरपुर में जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया। दरअसल मामला है राठ कोतवाली इलाके के पड़रा गांव का, जिसमें फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रामबरन और राठ कोतवाली पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में बदमाश रामबरन के पैर में गोली लगी तो वहीं सिपाही पंकज के हाथ में भी गोली लगी। पुलिस ने रामबरन और घायल सिपाही को राठ CHC में भर्ती करा दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश थाना चिकासी के थौरा गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार बदमाश रामबरन पर हमीरपुर जिले सहित कई अन्य जिलों में भी मामले दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए कई थाने की पुलिस मौके पर मौजूद थी। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।